डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि महीना 6 महीना में आपका मरना तय है। जी तो शुगर था जी और बीपी भी था जी और इनके वजह से किडनी में इन्फेक्शन आ गया था। अच्छा किडनी पूरी डैमेज हो गई जी। तो सर आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करवाया? सर मैं तो आधा भारत में ट्रीटमेंट करा डाला, क्या नाम बताऊँ आपको, रायपुर दूर भिलाई चेन्नई बेंगलोर सारे जगह से मैंने इलाज करा। तो सर लगभग कितना खर्चा हुआ होगा? मेरा सर 4 साल में 12 लाख रुपए खर्चा। 12 लाख रुपए? जी जी पूरा लिखा पढ़ी के साथ बता सकते हैं जी। सर 24 दिन के अंदर में दिया, 24 दिन सिर्फ 24 दिन में दिया था। डॉक्टर नखाती साहब हैं जिनको कुछ प्रोडक्ट उन्होंने रेगुलर लिए हैं और लगभग 1-2 महीना से रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको क्या रिजल्ट मिला है तो हम उन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो सर आपका नाम सुनाम बताएंगे आप? मैं डॉक्टर अशोक नखाते। अशोक नखाते सर। तो आप कहाँ रहते हैं? ग्राम टेढ़वा जी सर, पोस्ट भानेगा जी, तहसील जिला जी। तो सर आपको क्या प्रॉब्लम था? सर मेरे को शुगर था जी और बीपी भी था जी और इनके वजह से किडनी में इन्फेक्शन आ गया था। अच्छा किडनी पूरी डैमेज हो गई थी जी। तो सर आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करवाया? सर मैं तो आधा भारत में ट्रीटमेंट करा डाला, क्या नाम बताऊँ आपको, रायपुर दूर भिलाई चेन्नई जी बेंगलोर सारे जगह से मैंने इलाज करा। तो सर लगभग कितना खर्चा हुआ होगा? मेरा सर 4 साल में 12 लाख रुपए खर्चा। 12 लाख रुपए? जी जी पूरा लिखा पढ़ी के साथ बता सकते हैं जी जी। पूरे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। तो सर 12 लाख रुपए ट्रीटमेंट कराने के बाद में आपको आज हमारी कंपनी की क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सर? सर मैं डाइबोडाक यूज कर रहा हूँ जी, क्लोरोडाक जी, कार्डियोडाक जी, और मूली भी यूज किया सर जी। सर तो सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिला है प्रोडक्ट से? बिल्कुल बताऊँगा सर। मैं अचानक किसी के माध्यम से पता चला मेरे को जी, डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि महीना 6 महीना में आपका मरना तय है जी। तो किसी के माध्यम से SVPS कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में पता चला मैं मेरे को और मैं यूज करना चालू किया। मैं तो सर 24 दिन के अंदर में दिया, 24 दिन सिर्फ 24 दिन में दिया था। क्या बात है। 24 दिन तक के दवा लिया मैं और तुरंत बालाघाट में मैं टेस्ट कराने गया तो जो मेरा क्रिएटिनिन था जो 7.2 हो गया था, हीमोग्लोबिन 6.2 था, तो क्रिएटिनिन मेरा 1.4 हो गया नॉर्मल और हीमोग्लोबिन 13.5। क्या बात है। और डायबिटीज़ को मैं घर में शुगर चेक कर लेता हूँ जी सर, नॉर्मल रहता है। और जो बीपी की बात है सर मेरी, बीपी के लिए तो मेरा पूरे इतना इलाज करवाया मैं कम से कम 50 डॉक्टरों के पास में 170 से किसी ने कम नहीं किया। लेकिन ये जो दवा दिया सर 110 क्या बात है सर। तो सर ऐसे प्रोडक्ट के लिए आप हमारे जो साथी पूरे देश में भारत में जो लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ सर कि सभी को जो जिनको किसी भी प्रकार की बीमारी है, चाहे वो कष्ट साध्य हो साध्य हो, और कई बीमारी जो असाध्य होती है, इस असाध्य बीमारी में भी काम करती है और सबको लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहिए। क्योंकि ये जो अंग्रेजी दवाई हम लेते हैं तो ये बीमारी को सिर्फ दबाता है, जड़ से ख़त्म नहीं करता, और ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है, इसको बिल्कुल लेना चाहिए। मैं सभी सही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नखाते सर। तो सर मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आज जो हमने SVPS का बीड़ा पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद के माध्यम से उठाया, हमारे ऐसे ग्रेट गुरुजी हमारे संजीव कुमार सर ने अपने नाम जैसी एक संजीवनी बूटी जो पूरे भारतवर्ष के लिए बनाया साथियों, तो आज आप लोगों ने नखाते सर के माध्यम से सुना। ऐसे हमारे लाखों लोग हैं जिनको आज क्रिटिकल से क्रिटिकल केस में हमको फ़ायदा मिल रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हमको सारे लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू SVPS।